hello student today i am going to solve nis-317 political science question paper of november december 2021 this question paper consists of 26 questions maximum marks is 100 and passing marks is 30 time duration is 3 hours all questions are compulsory from section a attempt only one option from section b see description for link of february 2021 solved question paper of 317 political science section a 1 एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए पॉलिटिकल साइंस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इट इज अ सोशल साइंस डीलिंग विद सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड पावर एंड द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पॉलिटिकल थॉट पॉलिटिकल बिहेवियर एंड एसोसिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज़ राजनीति विज्ञान राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन है यह एक सामाजिक विज्ञान है जो शासन और शक्ति की व्यवस्था और राजनीतिक गतिविधियों राजनीतिक विचार राजनीतिक व्यवहार और संबंधित संविधानों और कानूनों के विश्लेषण से संबंधित है टू वाई कैन द यू एन नॉट बी कॉल्ड अ स्टेट एक्सप्लेन संयुक्त राष्ट्र को एक राज्य क्यों नहीं कहा जा सकता स्पष्ट कीजिए बिकॉज इट हैज़ नो टेरिटरी ऑफ इट्स ओन एंड also डू नॉट हैव sovereignty, विच आर इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ स्टेट क्योंकि इसका अपना कोई क्षेत्र नहीं है और इसकी संप्रभुता भी नहीं है जो एक राज्य की आवश्यक विशेषताएं हैं थ्री इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हाउ many members डिड इट हैव आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था और भारत के विभाजन के बाद इसके कितने सदस्य थे इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स टू हंड्रेड नाइन्टी नाइन उन्नीस सौ छियालीस में दो सौ सदस्य फोर एक्सप्लेन एनी टू qualifications रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक कोई दो योग्यताएं स्पष्ट कीजिए वन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया टू कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो एक भारत का नागरिक होना चाहिए दो लाभ का कोई पद धारण नहीं कर सकते फाइव डिस्क्राइब एनी टू फंक्शंस ऑफ जिला परिषद जिला परिषद के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन कीजिए फंक्शंस ऑफ जिला परिषद वन इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द पंचायत समितिज एंड सुपरवाइज देयर फंक्शनिंग टू लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट वर्क्स इन द इंटायर डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद के कार्य एक यह पंचायत समितियों की गतिविधियों का समन्वय करता है और उनके कामकाज का पर्यवेक्षण करता है दो पूरे जिले में विकास कार्यों को देखता है सिक्स एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सर्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का महत्व स्पष्ट कीजिए सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इट प्रोवाइड्स द राइट टू वोट टू एडल्ट सिटीजंस टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस इट मेक्स ऑल द सिटीजन इक्वल एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इट एड्स टू द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड गिव सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का महत्व यह वयस्क नागरिकों को किसी भी आधार पर बिना किसी भेदभाव के अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए वोट देने का अधिकार प्रदान करता है यह सभी नागरिकों को समान बनाता है और यह लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है यह व्यक्ति की गरिमा को जोड़ता है और जिम्मेदारी की भावना देता है सेवन नेम एनी फोर रीजनल पोलिटिकल पार्टीज़ ऑफ इंडिया भारत के किन्हीं चार क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए वन त्रिणमूल कांग्रेस टू अकाली दल थ्री इंडियन नेशनल लोकदल फोर आम आदमी पार्टी एट एनालाइज द रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एज हिंडरेंस टू गुड गवर्नेंस सुशासन की एक बाधा के रूप में जनसंख्या वृद्धि की भूमिका का विश्लेषण कीजिए पॉपुलेशन ग्रोथ इज एन हिंडरेंस टू गुड गवर्नेंस विच रिक्वायर्स रिसोर्सेज टू प्रोवाइड फॉर बेसिक नीड्स लाइक फूड एंड वाटर टू ऑल लार्ज पॉपुलेशन इज अ काज ऑफ मेनी प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर प्रेशर ऑन ट्रैफिक पोवर्टी विच लोड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ गुड गवर्नेंस जनसंख्या वृद्धि सुशासन के लिए एक बाधा है जिसके लिए सभी को भोजन और पानी जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है बड़ी आबादी कई समस्याओं का कारण है कानून और व्यवस्था यातायात पर दबाव गरीबी जो सुशासन को खत्म कर देती है नाइन स्टेट एनी टू पॉइंट्स ऑफ गुड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड सोवियत रसिया भारत और सोवियत रूस के बीच अच्छे संबंधों के कोई दो बिंदु लिखिए रसिया हैज हेल्प्ड इंडिया ऑन कश्मीर इशू एंड हैज वोटेड द अनएक्सपेक्टेबल रिजोल्यूशन रसिया हैज बीन कोऑपरेटिंग इन आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम रूस ने कश्मीर मुद्दे पर भारत की मदद की है और अस्वीकार प्रस्ताव को वीटो कर दिया है रूस हमारे परमाणु कार्यक्रम में सहयोग कर रहा है टेन एक्सप्लेन एनी फाइव डिफरेंसेस बिटवीन नेशन एंड नेशनलिटी राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बीच कोई पांच अंतर स्पष्ट कीजिए वन नेशन गिव्स एन आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट नेशनलिटी गिव एन आइडिया ऑफ सेंटीमेंट Two, nationality may be spread over more than one state. Nation may not be a state. Three, nationality precedes nation. Nationality create nation. Four, nation means a population with common features, but nationality means one of the several ethnic groups scattered over a vast and undefined area. Five, nationality is a cultural term which may be political also. Similarly, nation is a political term which is culturalist also. Eight. राष्ट्र संगठन का विचार देता है लेकिन राष्ट्रीयता भावना का विचार देती है दो राष्ट्रीयता एक से अधिक राज्यों में फैली हो सकती है राष्ट्र एक राज्य नहीं हो सकता है तीन राष्ट्रीयता राष्ट्र से पहले होती है राष्ट्रीयता राष्ट्र का निर्माण करती है चार राष्ट्र का अर्थ है सामान्य विशेषताओं वाली जनसंख्या लेकिन राष्ट्रीयता का अर्थ है एक विशाल और अपरिभाषित क्षेत्र में बिखरे हुए कई जातीय समूहों में से एक पांच राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक शब्द है जो राजनीतिक भी हो सकता है इसी तरह राष्ट्र एक राजनीतिक शब्द है जो सांस्कृतिक भी है अलेवन एनालाइज द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एज अ फीचर ऑफ मार्क्सिज्म मार्क्सवाद के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इज एन अदर कैटेस्टिक्स ऑफ मार्क्सिज्म मार्क्स एज दैट इट इज द Worker who creates value in the commodity when he produces it. But he does not get what he produces. He gets only the wages. Over and above the wages is what goes to the employer. That is the surplus value. The surplus value is the difference between what the value a laborer produces and what he gets in the form of wages. In simple words, the laborer gets the wages, the employer the profit. This surplus value makes the, the rich, richer and the poor poorer. It is through surplus value that capitalist threw. अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्सवाद की एक अन्य विशेषता है मार्क्स कहता है कि मजदूर कामगार वस्तु को उत्पादित करते समय उसमें मूल्य निर्मित करता है लेकिन उसे वह नहीं मिलता जिसका वह उत्पादन करता है उसे केवल वेतन मिलता है और वेतन से ऊपर जो कुछ होता है वह मालिक ले जाता है यह अतिरिक्त मूल्य है अतिरिक्त मूल्य श्रमिक द्वारा उत्पादित मूल्य और उसे प्राप्त होने वाले वेतन के बीच का अंतर है सरल शब्द में मजदूर को वेतन प्राप्त होता है और मालिक को लाभ यह अतिरिक्त मूल्य धनी को और धनी और निर्धन को और निर्धर बनाता है अतिरिक्त मूल्य के दम पर ही पूंजीपति पनपते हैं ट्वेल्व डिस्क्राइब एनी फाइव फंडामेंटल राइट्स यही पांच मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए द फंडामेंटल राइट्स आर वन राइट टू इक्वेलिटी टू राइट टू फ्रीडम थ्री राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन फोर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फाइव कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड सिक्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज ये मौलिक अधिकार हैं एक समानता का अधिकार दो स्वतंत्रता का अधिकार तीन शोषण के विरुद्ध अधिकार चार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पांच सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार तथा छह संवैधानिक उपचारों का अधिकार थर्टीन डिस्क्राइब एनी फाइव फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली राज्य विधानसभा के किन्हीं पांच कार्यों का वर्णन कीजिए पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर वन लॉ मेकिंग फंक्शन टू फाइनेंशियल पावर्स थ्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव फोर इलेक्ट्रल फंक्शंस फाइव कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस राज्य विधानमंडल के कार्य एवं शक्तियां एक कानून बनाने संबंधी कार्य दो वित्तीय शक्तियां तीन कार्यपालिका पर नियंत्रण चार चुनाव संबंधी कार्य पांच संवैधानिक कार्य फोर्टीन एनालाइज द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज में जाति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए रोल ऑफ कास्ट इन सोसाइटी वन सोसाइटी हैड बीन ऑर्गेनाइज ऑन द वर्ण व्यवस्था सर्टेन टास्क हैड बीन एंड आर ट्रेडिशनली असाइंड टू सर्टेन कास्ट टू कास्ट डू हैव अ ट्रेडिशनल एसोसिएशन विद एन ऑक्यूपेशन थ्री कास्ट हैज़ बिकम एन आइडेंटिटी फोर कास्ट प्ले अ मेजर रोल इन पॉलिटिक्स फाइव कास्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटर कास्ट बिहेवियर्स एंड रिलेशन टू इच अदर समाज में जाति की भूमिका एक वर्ण व्यवस्था पर समाज का गठन किया गया था कुछ कार्यों को पारंपरिक रूप से कुछ जातियों को सौंपा गया था दो जातियों का व्यवसाय से पारंपरिक जुड़ाव होता है तीन जाति एक पहचान बन गई है चार राजनीति में जाति एक प्रमुख भूमिका निभाती है पाँच जाति अंतर जातीय व्यवहार और एक दूसरे के साथ संबंधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है फिफ्टीन एनालाइज़ द पॉलिसी ऑफ़ नॉन अलाइनमेंट एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियाज फॉरजिन पॉलिसी भारत की विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता के रूप में गुण निरपेक्षता की नीति का विश्लेषण कीजिए वन नॉन अलाइनमेंट प्रोवाइडेड फ्रीडम टू स्पीक अगेंस्ट एनी स्टेट आर ब्लॉक विदाउट एनी बायस टू इट हेल्प द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज टू कम क्लोजर थ्री इट हेल्प्ड इंडिया टू हैव रिलेशंस विथ बोथ द सुपर पावर्स चार इंडिया बीइंग अ बिग कंट्री गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लीड द नैम फाइव इट प्रूव्ड एन इंस्ट्रूमेंट इन बैलेंस ऑफ पावर एक गूढ़ निरपेक्षता ने बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी भी राज्य या ब्लॉक के खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की दो इसने नए स्वतंत्र देशों को करीब आने में मदद की तीन इसने भारत को दोनों महाशक्तियों के साथ संबंध बनाने में मदद की चार एक बड़ा देश होने के कारण भारत को नाम का नेतृत्व करने का अवसर मिला पाँच यह शक्ति संतुलन में एक साधन साबित हुआ सिक्सटीन सजेस्ट एनी टू मेजर्स एंड मैथड टू रिड्यूस टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों को घटाने के लिए कोई दो उपाय एवं तरीका सुझाएं वन रेगुलर मीटिंग्स एंड निगोशिएशन एमंग द लीडर्स शुड बी इंकरेज टू पाकिस्तान शुड स्टॉप द एक्ट्स ऑफ टेररिज्म एंड शुड टेक स्टेम एक्शन अगेंस्ट द टेररिस्ट आउटफिट्स एक नेताओं के बीच नियमित बैठकों और बातचीत को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए दो पाकिस्तान को आतंकवाद के कृतज्ञों को रोकना चाहिए और आतंकवादी के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए सेवनटीन एक्सप्लेन एनी फोर फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की किन्हीं चार विशेषताओं की व्याख्या कीजिए वन a written constitution the indian constitution is mainly a written constitution a written constitution is framed at a given time and comes into force or is adopted on a fixed date as a document it was adopted on 26 november 1949 and enforced on january 26 1950 the indian constitution is the lengthiest in the world the original constitution had 395 articles and 8 schedules. 2. a combination of rigidity and flexibility. the indian constitution is a unique example of combination of rigidity and flexibility. a constitution may be called rigid or flexible on the basis of its amending procedure. in a rigid constitution, amendment of the constitution is not easy. 3. federal polity india has adopted a federal structure. in a federation, there are two distinct levels of governments. there is one government for the whole country, which is called the union or central government. also, there is government for each unit, state, for parliamentary democracy. india has a parliamentary form of democracy. the cabinet is selected from among the members of legislature. in india, the president is the head of the state. constitutionally the प्रेसिडेंट इंजॉय numerous पावर्स बट इन प्रैक्टिस the president एक्ट ऑन the एडवाइस ऑफ the प्राइम मिनिस्टर एंड the काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक एक लिखित संविधान भारतीय संविधान मुख्य रूप से एक लिखित संविधान है एक लिखित संविधान एक निश्चित समय पर तैयार किया जाता है और लागू होता है या एक निश्चित तिथि पर एक दस्तावेज के रूप में अपनाया जाता है इसे 26 नवंबर उन्नीस को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था भारतीय संविधान दुनिया में सबसे लंबा है मूल संविधान में तीन अनुच्छेद और आठ अनुसूचियाँ थीं दो कठोरता और लचीलेपन का संयोजन भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन के संयोजन का एक अनूठा उदाहरण है एक संविधान को उसकी संशोधन प्रक्रिया के आधार पर कठोर या लचीला कहा जाता है कठोर संविधान में संविधान में संशोधन करना आसान नहीं है तीन संघीय राज्य व्यवस्था भारत ने संघीय ढांचे को अपनाया है एक संघ में सरकारों के दो अलग अलग स्तर होते हैं पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे केंद्र या केंद्र सरकार कहा जाता है साथ ही प्रत्येक इकाई राज्य के लिए सरकार है चार संसदीय लोकतंत्र भारत में संसदीय लोकतंत्र है मंत्रिमंडल का चयन विधायिका के सदस्यों में से किया जाता है भारत में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को कई शक्तियाँ प्राप्त हैं लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है और एक्सप्लेन एनी फोर इफेक्ट्स ऑफ द नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल के किन्हीं चार प्रभावों की व्याख्या कीजिए इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी वन फेडरल फॉर्म चेंजेस इन टू यूनिटरी टू एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट्स मे बी एक्सरसाइज्ड एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट थ्री लोकसभा कैन एक्सटेंड इट्स टेनर बाय वन ईयर एट अ टाइम फोर प्रेसिडेंट में मोडिफाई द प्रोविजंस रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवन्यूज़ राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव एक संघीय रूप एकात्मक में बदल जाता है दो राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार राज्यों की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है तीन लोकसभा अपने कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष बढ़ा सकती है चार राष्ट्रपति राजस्व के वितरण के संबंध में प्रावधानों को संशोधित कर सकते हैं एटीन डिस्क्राइब एनी फोर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट संसद के किन्हीं चार महत्वपूर्ण कार्यों का the financial functions the parliament performs important financial functions it is the custodian of the public money it controls the entire purse of the central government no money can be spent without its approval this approval may, may be taken before the actual spending or in rare cases after the spending the budget is approved by the parliament every year the electoral function the elected member of parliament one member of the electoral college for presidential election as such they participate in the election of the president of india they elect the vice president the lok sabha elects its speaker and deputy speaker and the raj sabha elects its deputy chairman power of the removal certain high functionaries may be removed from office on the initiative of the parliament the president of india may be removed through the process of impeachment the judge of supreme court and of high court can be removed by any order of the president which may be issued only if a resolution of their removal is passed by both houses of parliament by special majority functions regarding the amendment of the constitution most of the part of the constitution can be amended by the parliament by special majority but certain provisions only be amended by the parliament with the approval of states. However, India being a federal state, the amending power of the parliament is highly limited. The Supreme Court has ruled that the parliament cannot change the basic structure of the constitution. Vithyakarya संसद महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य करती है इसे सरकारी धन का संरक्षण माना जाता है यह केंद्रीय सरकार की संपूर्ण आय पर नियंत्रण बनाए रखती है बिना संसद की आज्ञा के कोई धन राशि व्यय नहीं की जा सकती यह स्वीकृति वास्तविक व्यय से पूर्व या फिर किसी असाधारण स्थिति में व्यय के पश्चात ली जा सकती है संसद हर वर्ष सरकार के आय व्यय अर्थात बजट को स्वीकृत प्रदान करती है निर्वाचन संबंधी कार्य संसद के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में वे भाग लेते हैं वे उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करते हैं लोकसभा अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का तथा राज्यसभा अपनी उप सभापति का निर्वाचन करती है अपदस्थ करने की शक्ति संसद की पहल पर कई महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय अधिकारियों को उनके पद से हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से अपदस्थ किया जा सकता है यदि संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करें तो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है संविधान संशोधन संबंधी कार्य संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन विशेष बहुमत द्वारा किया जा सकता है परंतु कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संसद द्वारा संशोधन के लिए राज्यों का समर्थन भी आवश्यक है तथापि भारत के एक संघ राज्य होने के नाते संसद की संशोधन संबंधी शक्तियाँ अत्यंत सीमित रखी गई हैं सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह कहा है कि संसद संविधान का मूल ढांचा नहीं बदल सकती पॉलिटिकल साइंस के फरवरी 2021 के सॉल्व क्वेश्चन पेपर के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और डिस्क्राइब एनी फोर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा हाउ इज द स्पीकर इलेक्टेड लोकसभा के अध्यक्ष की कोई चार शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर 1 presides over the lok sabha and conducts the meetings of the house gives times to each members to speak and maintains discipline 2 all the bills emotions and resolutions are introduced with speaker's permission 3 the decisions of the speaker are final on all parliamentary matters 4 speaker is custodian of the rights and privileges of the members election स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा विथ मेजोरिटी ऑफ वोट्स स्पीकर की शक्तियाँ और कार्य एक लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं और सदन की बैठकों का संचालन करते हैं प्रत्येक सदस्य को बोलने का समय देते हैं और अनुशासन बनाए रखते हैं दो सभी विधेयक प्रस्ताव और संकल्प स्पीकर की अनुमति से पेश किए जाते हैं तीन सभी संसदीय मामलों पर अध्यक्ष के निर्णय अंतिम होते हैं चार अध्यक्ष सदस्यों के अधिकारों और विशेष अधिकारों का संरक्षक होता है चुनाव लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बहुमत से किया जाता है 19 इवेलुएट द रोल ऑफ साउंड पब्लिक ओपिनियन विथ एग्जाम्पल्स स्वस्थ जनमत की भूमिका का उदाहरण द्वारा मूल्यांकन कीजिए The significance and role of public opinion can be explained as follows. A guide to the government. Public opinion acts as the guide to the government in respect of policy formation. Government functions in general on the basis of mandate received in election and try to win over the masses to fulfill the promises made during elections b. helping in lawmaking. government is always under pressure of public opinion and takes note of the same in formulating laws for the common good. governmental policies are invariably affected by people's opinion on various issues. public opinion helps the government to enact law in the given situation. c. act as a watchdog. public opinion act as a watchdog. It controls and checks the government from becoming irresponsible. While criticizing the wrong policies of the government, public opinion always keeps the government alert. Government is always conscious of the fact that people would not vote for it or bring it back to power again if it goes against the wishes of the people. D. Protects the right and liberties. पब्लिक ओपिनियन एक्ट एज द प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल हैव द राइट टू क्रिटिसाइज और सपोर्ट द गवर्नमेंट इन देयर ओन वे मोर इफेक्टिव एंड पॉजिटिव यूज ऑफ दिस राइट नॉट ओनली इनकरेज आर मोटिवेट्स द गवर्नमेंट बट आल्सो कीप्स द गवर्नमेंट एलाइव टूवर्ड्स द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल जनमत के महत्व और उसकी भूमिका की व्याख्या निम्नलिखित आधार पर की जा सकती है क सरकार का पथ प्रदर्शक नीतियों के निर्माण में जनमंत सरकार के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है सामान्य तौर पर सरकार उस जनादेश के आधार पर कार्य करती है जो उसे चुनाव के दौरान मिले थे और उस समय लोगों से किए गए वादों को पूरा करके वह उन्हें जीतने का प्रयास करती है ख कानून निर्माण में सहायक जनमत हमेशा सरकार पर दबाव बनाए रखता है इसलिए सरकार द्वारा जनहित में कानून बनाते समय इसे विशेष महत्व दिया जाता है बहुत से मुद्दों पर सरकारी नीतियां निरपवाद रूप से जनमत द्वारा प्रभावित होती हैं मौजूदा स्थिति में कैसे कानून बनाए जाएँ इस पर भी जनमत सरकार की सहायता करता है ग प्रहरी के रूप में कार्य जनमत एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है यह सरकार पर नियंत्रण बनाए रखता है और उसे अनुत्तरदायी होने से रोकता है सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करके जनमत उसे हर समय सतर्क बनाए रखता है सरकार भी इस बात का हमेशा ध्यान रखती है कि अगर वह जनता की इच्छाओं के विपरीत गई तो जनता उसे अपना वोट नहीं देगी और उसे सत्ता से हटा देगी घ अधिकारों एवं स्वतंत्रता का रक्षक जनमत नागरिकों के अधिकारों या उसकी स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में कार्य करता है एक लोकतांत्रिक देश के नागरिकों को यह अधिकार होता है कि वह सरकार के कार्यों को अपनी इच्छा से या तो सराहना करे या आलोचना इस अधिकार का प्रभावशाली एवं सकारात्मक प्रयोग न केवल सरकार को प्रोत्साहित करता है बल्कि उसे लोगों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति जागरूक भी बनाए रखता है 19. इवेलुएट द रोल ऑफ साउंड पब्लिक ओपिनियन विथ एग्जाम्पल्स स्वस्थ जनमत की भूमिका का उदाहरण द्वारा मूल्यांकन कीजिए ए इन डिफरेंट एटीट्यूड Generally people like to keep themselves away from political activities they do not take interest in public affairs generally they think that their involvement in political decision making is not required there is a need to change the indifferent attitude and adopt participatory approach people should be motivated to take interest in the affairs of their own country people have to be sensitized towards important issues related to unity integrity and development of the nation b illiteracy educated and enlightened people are expected to be good voters and citizens illiterate people on the other hand have a limited knowledge and they do not understand the political problems they are not capable of forming an intelligent and relational opinion and are guided by passions and sentiments ignorance born of illiteracy is a curse of social life a sound public opinion can be formulated only in the environment of knowledge and education C poverty the poor are always isolated from politics they do not find time to devote their attention to public affairs they get easily influenced by the tall talks of the political leaders and cast or even sell their votes the government non governmental organization and pressure groups have to play their effective role the wide gap between the rich and the poor has to be minimized and the distribution of wealth must be equitable, sound and healthy. Public opinion is possible only by alleviating poverty. D. This harmony amongst various castes and communities. The people and political parties in democracy have to rise above the feeling and emotions of casteism and communalism. They should not divide themselves into narrow walls of religion and sect. Religion and politics should be kept separate. Social harmony in the country would provide a better platform for sound and healthy public opinion. K. उदासीन रवैया आमतौर पर लोग अपने आप को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखना पसंद करते हैं वे सार्वजनिक मामलों में रुचि नहीं लेते उनका मानना होता है कि राजनीतिक निर्णयों के निर्माण में उनकी भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती है उनके इस उदासीन रवैये को बदलने और राजनीतिक निर्णयों के निर्माण में भागीदारी बनने की आवश्यकता है लोगों को उनके अपने देश में होने वाली इस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए उन्हें राष्ट्र की एकता अखंडता और उसके विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए ख निर्क्षरता समाज के शिक्षित एवं प्रबुद्ध लोगों से यह आशा की जाती है कि वे अच्छे मतदाता और नागरिक होंगे वहीं दूसरी ओर अशिक्षित लोगों का ज्ञान सीमित होता है और वे राजनीतिक समस्याओं को नहीं समझ पाते वे एक बुद्धिमत्पूर्ण और स्तरसंगत मत का निर्माण करने में समर्थ नहीं होते और वे आवेश और भावनाओं से प्रभावित हो जाते हैं निर्झरता के कारण पैदा होने वाला अज्ञान सामाजिक जीवन के लिए अभिशाप है एक स्वस्थ जनमत का निर्माण केवल ज्ञान और शिक्षा के वातावरण में ही किया जा सकता है ग निर्धनता निर्धन लोग राजनीति से परे रहते हैं सार्वजनिक मामलों पर ध्यान देने के लिए उनके पास समय ही नहीं होता वे राजनेताओं की बड़ी बड़ी बातों में आसानी से आ जाते हैं और बिना सोचे समझे अपना वोट दे देते हैं तथा कई बार अपने वोट को बेच भी देते हैं इस प्रकार के मामलों को ध्यान में रखकर सरकार गैर सरकारी संगठनों और दबाव समूहों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी निर्धन और धनी के बीच के अंतर को कम किया जाना चाहिए तथा संपत्ति के बंटवारे को भी नियोजित रूप से किया जाना चाहिए निर्धनता को कम करके ही एक स्वस्थ जनमत का निर्माण संभव हो सकता है ख विभिन्न जातियों एवं संप्रदायों के बीच असंतुलन लोकतंत्र में लोगों और राजनीतिक दलों को जात पात एवं संप्रदाय की भावना से ऊपर उठना चाहिए उन्हें अपने आप को धर्म एवं संप्रदाय की संकीर्ण दीवारों के बीच नहीं बांटना चाहिए धर्म एवं राजनीति को अलग रखना चाहिए देश के अंदर सामाजिक सामंजस्य स्वस्थ जन जन्म, जनमत के निर्माण के लिए एक मंच की आधारशिला रख सकता है ट्वेंटी एक्सप्लेन एनी फोर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स विथ एग्जाम्पल्स पर्यावरण संबंधी किन्हीं चार समस्याओं की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ए लैंड एयर एंड वाटर पोल्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर हैज इफेक्टेड प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल इज डिटर्मिनेटिंग रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड The loss is estimated to be about five to seven million hectares of land each year. Soil erosion, as a result of wind and/or water, cost the world dearly. The recurring floods have their own peculiar casualty, like deforestation, silt in the riverbed, inadequate and improper drainage, loss of men and property. The vast oceans, after being turned into dumping grounds for all nuclear wastes. Have poisoned and polluted the whole natural environment. B. Population growth. Population growth means more people to eat and breathe and putting an excessive pressure on land and forest and ultimately disturbing the ecological balance. Our growing population is putting pressure on land, leading to poor quality of productivity, deforestation. The loss of forest land so necessary for ecological balance and extinction of wildlife leading to imbalance in the ecological order loss of wildlife heritage and ultimately dwindling of several species the growing population is not only a problem for the natural environment it is problem for any other aspects of environment say for example social economic political etc c urbanization Urbanization is no less a source of population and therefore a threat to the environment. Urbanization means maintaining race of people from villages to the cities. The net result of urbanization is dirt, disease, and disaster. In a state of growing urbanization, environmental problems like sanitation, ill health, housing, water supply, and electricity keep expanding. On the other, the environmental degradation is caused in the rural life due to indiscriminate collection of firewood overgrazing and depletion of other natural resources d industrialization industrialization coupled with the development of the means of transport and communication has not only polluted the environment but also has led to the shrinking of the natural resources both way the loss is really heavy increasing level of heat fluxes carbon dioxide and part

भूमि और पानी के प्रदूषण ने पौधों जानवरों और मानव जाति को प्रभावित किया है अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष लगभग पाँच से सात मिलियन हेक्टेयर भूमि की हानि हो रही है वायु और पानी के कारण मृदा अप्रदन विश्व को बहुत महंगा पड़ रहा है बार बार बाढ़ आने से विशेष प्रकार की हानि होती है जैसे वन क्षेत्र का घटना नदियों में गाद भरना पानी निकासी और अपर्याप्त एवं त्रुटिपूर्ण होना जान माल की हानि इत्यादि सभी प्रकार के नाभिकीय कचरे को सागरों में डालने से पूरा प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषित और विषाक्त हो गया है ख जनसंख्या में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि का अर्थ है खाने और सांस लेने वाले अधिक लोग और इससे भूमि और जंगलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है जिससे अंत परिस्थितिकी में असंतुलन पैदा हो जाता है हमारी बढ़ती जनसंख्या से भूमि पर बोझ बढ़ रहा है जिससे उत्पादन की गुणवत्ता घटती है वनों में कमी आती है परिस्थिति में असंतुलन के लिए वह क्षेत्र बहुत आवश्यक है जिसके अभाव में वन्य जीव लुप्त होते जा रहे हैं तथा परिस्थितिकी में असंतुलन पैदा हो रहा है जिसे अंत कई जीव लुप्त हो जाएंगे जनसंख्या में वृद्धि केवल प्राकृतिक पर्यावरण के लिए ही समस्या नहीं है अपितु यह पर्यावरण के अन्य पक्षों जैसे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक पक्षों के लिए भी समस्या है ग शहरीकरण शहरीकरण भी प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है और पर्यावरण के लिए खतरा है शहरीकरण का अर्थ है लोगों की शहर की ओर भागती भीड़ शहरीकरण का परिणाम है धूल बीमारी और विनाश बढ़ते शहरीकरण की स्थिति में सफाई बीमारी आवास जल आपूर्ति और बिजली की समस्याएं निरंतर बढ़ती रहती हैं दूसरी ओर ग्रामीण जीवन में बिना सोच विचार के ईंधन की लकड़ी संग्रहित करने अधिक चारगाहों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के हास्य से पर्यावरण में क्षरण हो रहा है घ औद्योगिकरण यातायात और संचार साधनों के विकास के साथ औद्योगिकरण ने न केवल पर्यावरण को प्रदूषित किया है आपूति प्राकृतिक संसाधनों में भी कमी पैदा कर दी है दोनों प्रकार से भारी हानि हो रही है उष्मा प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड धूलकण रेडियोधर्मी नाभिकीय कूड़ा कचरा और इसी प्रकार के अन्य प्रदूषकों के बढ़ते स्तर से पर्यावरणीय खतरा बढ़ा है दूसरी ओर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की खपत से प्राकृतिक संसाधनों का हास होता है हम भावी पीढ़ी की चिंता किए बिना विश्व निर्माण कर रहे हैं और एक्सप्लेन द रोल ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन इंडिया भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका स्पष्ट कीजिए role of national human rights commission 1. to inquire the violation or negligence in prevention of human rights violation 2. to promote the culture of respect for human rights 3. monitoring the functions of government with a view to ensure protection of human rights 4. action of the state and union government are analyzed for protection of human rights 5. investigates various cases of human rights violations राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका एक मानवाधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम में उल्लंघन या लापरवाही की जांच करना दो मानवाधिकार के सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देना तीन मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार के कार्यों की निगरानी करना चार मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य और केंद्र सरकार की कार्रवाई का विश्लेषण किया जाता है पाँच मानवाधिकार उल्लंघन के विभिन्न मामलों की जांच करता है सेक्शन बी ऑप्शन वन ट्वेंटी वन डिस्क्राइब एनी टू पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण के कोई दो सकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन वन द होल वर्ल्ड हैज़ बिकम अ सिंगल मार्केट विथ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स टू मल्टीनेशनल नेशनल कॉपोरेशन हैव गेंड ग्लोबल एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव एक माल के मुक्त प्रभाव के साथ पूरी दुनिया एक एकल बाजार बन गई है दो बहुराष्ट्रीय निगमों ने वैश्विक स्वीकृति और सम्मान प्राप्त किया है ट्वेंटी टू एक्सप्लेन एनी टू डिसआर्मेंट एक्टिविटीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विथ एग्जाम्पल्स संयुक्त राष्ट्र की निरस्त्रीकरण की किन्हीं दो गतिविधियों की उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए right from the inception, the united nations has taken active interest in disarmament. several disarmament treaties resulted from un efforts. some of them are no doubt controversial. for example, treaty on the non-proliferation of nuclear weapons of 1968. this treaty required non-nuclear state not to acquire nuclear weapons while leaving the nuclear weapon power free to increase their stocks. many countries like india refused to sign the treaty to protect against the Discrimination. The UN General Assembly convened three special sessions to focus world attention on the need for disarmament. These sessions mobilized world opinion to press reduction of nuclear and conventional weapons, but no concrete results were evident because of cold war tension the ending of the cold war raised hope of serious move to control and reduce nuclear and other weapons of mass destruction the general assembly adopted a text of resolution of the comprehensive test ban treaty in september 1996 the changes of ctbt coming into force are considered remote because many countries including india described it as it a defective treaty and refused to sign in until the five nuclear power has disarmed अपनी स्थापना से ही संयुक्त राष्ट्र ने निरस्त्रीकरण में सक्रिय दिलचस्पी दिखाई है और उन उसके प्रयासों से कई निरस्त्रीकरण संधियां प्रभाव में आई हैं इसमें कुछ संधियां बेशक विपाद विवादस्पद है, मसलन उन्नीस सौ अड़सठ की परमाणु अप्रसार संधि इस संधि के तहत यह व्यवस्था की गई है कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं हैं वे उन्हें हासिल न करें जबकि जिनके पास पहले से यह मौजूद है उन पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए इस भेदभाव का विरोध करने के लिए भारत ने इस पर दस्तखत करने से मना कर रखा है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निरस्तीकरण की आवश्यकता की ओर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए तीन विशेष शस्त्र बुलाएँ जिनमें पारंपरिक और नवकीय हथियारों में कटौती करने के दबाव पर सबकी आम राय बनाने की कोशिश की गई लेकिन शीत युद्ध के तनाव के चलते कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ सका शीत युद्ध की समाप्ति ने नरसंहार हथियारों पर नियंत्रण कटौती की ओर गंभीर पहल की उम्मीदें जगाई महासभा ने सितंबर उन्नीस में सी यानी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि के घोषणा पत्र को स्वीकार किया सी के प्रभाव में आने की संभावना बहुत क्षण है क्योंकि भारत समेत कई अन्य देश ने इसे एक विकृत संधि करार देते हुए दस्तखत करने से मना कर दिया और यह शर्त रखी कि इससे पहले वे पांच देश निरस्तीकरण का वादा करें जिनके पास नाविकीय हथियार हैं 23. एक्सप्लेन एनी फोर डेवलपमेंट असिस्टेंस एक्टिविटीज अंडर टेकन बाई द यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रारंभ की गई किन्हीं चार विकास सहायक गतिविधियों की व्याख्या कीजिए Development activities undertaken by UNDP. One promoting gender equality is a major focus area of the UNDP. Two UNDP allocated 1.5 million in emergency aid to Palestinian territories. 3. UNDP announced the establishment of a new UNDP Democratic Governance Trust Fund to launch programs in such areas as a public sector reform, improving parliamentary system, conflict prevention, and peace building in the least developed countries. फोर यू एन डी पी इनिशिएटेड अ फोर ईयर प्रोग्राम इन कच इंडिया टू प्रमोट यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी यू एन डी पी द्वारा की गई विकास गतिविधियाँ एक लैंगिक समानता को बढ़ावा देना यू एन डी पी का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है दो यू एन डी पी ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों को आपातकालीन सहायता में एक दशमलव पाँच मिलियन आवंटित किए तीन यूएनडीपी ने सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार संसदीय प्रणाली में सुधार संघर्ष की रोकथाम और सबसे कम विकसित देशों में शांति निर्माण जैसे क्षेत्रों में कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक नए यूएनडीपी डोमेक्रेटिव गवर्नेंस ट्रस्ट फंड की स्थापना की घोषणा की है यूएनडीपी ने अच्छे ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कच्छ भारत में चार साल का कार्यक्रम शुरू किया और एक्सप्लेन एनी फोर ऑफ द यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के किन्हीं चार उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए द चार्टर इंडिकेट्स एट द वेरी बिगनिंग फॉर ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द यूनाइटेड नेशंस दे आर वन टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू कलेक्टिव मेजर्स फॉर सप्रेशन ऑफ एग्रीगेशन एंड थ्रू पीसफुल सेटलमेंट ऑफ़ डिस्प्यूट्स टू टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन एमंग कंट्रीज बेस्ड ऑन फुल रेस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन 3 टू अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन इन द इकोनॉमिक सोशल कल्चरल एंड ह्यूमेटेरियन फील्ड्स एंड फॉर टू इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित चार मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं एक विवादों के शांतिपूर्ण समाधान तथा प्रतिबंध एवं अतिक्रमण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना दो समानता एवं आत्मसंकल्प के सिद्धांत हेतु विभिन्न राष्ट्रों में मित्रापूर्ण संबंध विकसित करना तीन आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राज्यीय समस्याओं के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना चार मानवाधिकारों के लिए सम्मान मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना ऑप्शन टू ट्वेंटी वन डिस्क्राइब एनी टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट कैबिनेट शौचालय के किन्हीं दो महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन कीजिए फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट वन डील्स विथ केसेस इन्वॉल्विंग लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग द इशुइंग ऑफ ऑर्डिनेंस एड्रेसेस मैसेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट टू केसेस इन्वॉल्विंग निगोशिएशन विद फॉरजिन कंट्रीज एज ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स कैबिनेट सचिवालय के कार्य एक अध्यादेश जारी करने सहित कानून से जुड़े मामलों से संबंधित है संसद को राष्ट्रपति के संदेशों को संबोधित करता है दो संधियों और समझौतों के रूप में विदेशों के साथ बातचीत से जुड़े मामले ट्वेंटी टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी प्रतिबद्ध नौकरशाही की अवधारणा और अर्थ को स्पष्ट कीजिए committed bureaucracy is an administrative cadre committed to national objectives and responsive to indian social needs committed bureaucracy is an answer to the ills of neutrality that cripples the developmental process the concept of committed bureaucracy was contested in the political and administrative circles it was realized that it would damage the fabrics of services it would create a breed of Playable civil servants and yes, men civil servants will get attached to ideology of political parties later on. It was clarified that commitment should not be for political ideology but for welfare and development of the people as a whole. प्रतिबद्ध नौकरशाही एक प्रशासनिक संवर्ग है जो राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध है और भारतीय सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है प्रतिबद्ध नौकरशाही विकास प्रक्रिया को पंगु बनाने वाली तटस्थता की बुराई का जवाब है प्रतिबद्ध नौकरशाही की अवधारणा का राजनीतिक और प्रशासनिक हल में विरोध किया गया था यह आरोप लगाया गया था कि यह सेवाओं के ताने बाने को नुकसान पहुँचाएगा यह व्यवहार सिविल सेवकों की एक नस्ल पैदा करेगा और हाँ पुरुष सिविल सेविक अनैतिक दलों की विचारधारा से जुड़ जाएंगे बाद में यह स्पष्ट किया गया कि प्रतिबद्धता राजनीतिक विचारधारा के लिए नहीं बल्कि समग्र रूप से लोगों के कल्याण और विकास के लिए होनी चाहिए ट्वेंटी थ्री एक्सप्लेन एनी फोर प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघीय लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में वर्णित किन्हीं चार प्रावधानों की व्याख्या कीजिए Independence of UPSC. 1. Members are appointed for a fixed tenure of 6 years or until the age of 65 years. 2. The conditions of service of a member cannot be charged to his or her disadvantage. 3. The removal of a member can take place only by President's order in consultation with the Supreme Court of India. 4. The expenses of the UPSC are charged on the Consolidated Fund of India. यूपीएससी की स्वतंत्रता एक सदस्यों को नियुक्त किया जाता है छः साल का एक निश्चित कार्यकाल या पैंसठ वर्ष की आयु तक दो किसी सदस्यों की सेवा की शर्तों को उसके नुकसान के लिए नहीं लगाया जा सकता तीन किसी सदस्य को हटाना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से राष्ट्रपति के आदेश से ही हो सकता है चार यूपीएससी का खर्च भारत के संचित निधि पर लगाया जाता है और एक्सप्लेन द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल फॉर रिडरेसल ऑफ ग्रिवरेंस इन इंडिया भारत में शिकायतों के निवारण हेतु उपलब्ध विभिन्न साधनों उपायों की व्याख्या कीजिए इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रिडरेसल ऑफ़ ग्रीवरेंसेज वन कॉट्स टू सीक रिमेडी अगेंस्ट एनी वर्क डन टू अ पर्सन टू पार्लियामेंट्री प्रोसीडियर्स टू रेज क्वेश्चन इन पार्लियामेंट थ्री पब्लिक सर्वेंट्स एक्ट डिपार्टमेंट्स कैन इंस्टीट्यूट एजेंसी टू इंक्वायर फॉर मिसकंडक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर डिफरेंट कंप्लेंट फॉरम आर टी आई शिकायतों के निवारण के साधन एक किसी व्यक्ति के साथ किए गए किसी भी गलत के खिलाफ न्यायालय उपाय तलाशेगी दो संसदीय प्रक्रिया संसद में प्रश्न उठाने के लिए तीन लोक सेवक पूछताछ अधिनियम विभाग किसी सरकारी कर्मचारी के कादाचार की जांच के लिए एजेंसियों की स्थापना कर सकते हैं चार विभिन्न शिकायत मंच आर टी सी डिस्क्रिप्शन फॉर लिंक ऑफ फरवरी ट्वेंटी सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ थ्री हंड्रेड सेवेंटीन पॉलिटिकल साइंस पोलिटिकल साइंस के सॉल्व क्वेश्चन पेपर फरवरी 2021 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है